हैं, मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में मुस्लिम खानदान के कत्ल की समाअत। मुस्लिम खानदान को ट्रक से मारने की वीडियो अदालत में पेश कर दी गई। प्रोसिक्यूटर का कहना है कि वेल्ट मैन ने 3 माह तक कत्ल की मनसूबाबंदी की थी। कनाडा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने वालों के लिए कवायद मुतारिफ। अनीता आनंद का कहना है कि चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी को जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जा सके। हुकूमत मुलाजमतों को ख़त्म करने के लिए एआई को नहीं अपना रही है। भारत में कैनेडियन वजीर आजम का जहाज खराब। जस्टिन ट्रूडो को कैनेडा लाने के लिए दूसरा जहाज रवाना। ट्रूडो नई दिल्ली में अपने होटल से काम जारी रखे हुए हैं। अमरीकी धमकी नज़रअंदाज। शुमाली कोरियाई रहनुमा हथियारों की डील के लिए रूस पहुंच गए। किम जोंग उन बुलेट प्रूफ और काले शीशे वाली ट्रेन में रूस पहुंच गए। अमरीकी दफ्तर खारजा का कहना है कि किम जोंग उन और प्यूतन की मुलाकात पर नजर रखेंगे। लीबिया में समंदरी तूफान 3000 जाने ले गया, हजारों अफराद लापता। लापता अफराद के समंदर में डूब जाने का खदशा। हुकूमत की बैन अल-अक़वामी और मकामी एजेंसी से इमदाद की अपील। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कत्ल दहशतगर्दी के मुकदमे की ज्यूरी को लंदन शहर में एक मुस्लिम खानदान को ट्रक से टक्कर मारकर शहीद करने के वाकये की वीडियो दिखाई गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कत्ल दहशतगर्दी के मुकदमे की ज्यूरी को लंदन शहर में एक मुस्लिम खानदान को ट्रक से टक्कर मारकर शहीद करने के वाकये की वीडियो दिखाई गई। विंडसर में नेथनेल वेल्च में ट्रायल के गवाह का कहना है कि अफजल एक अमन पसंद खानदान था। 2021 समाअत के दौरान वीडियो में दिखाया गया में एक तेज रफ्तार डाज राम पिकअप ट्रक जिसे नेथानियल वेल्च मैन चला रहा था, जिससे लंदन ओंटारियो के एक मुस्लिम खानदान के अफराद को टक्कर मारी गई थी। विंडसर में 22 साल नौजवान के कत्ल के मुकदमे में गवाही के पहले दिन क्राउन प्रोसिक्यूटर्स ने 3 गवाहों को बुलाया और वो सबूत पेश किए जो वो ओंटारियो सुपीरियर कोर्ट में जज और ज्यूरी के सामने पेश करेंगे। विंडसर में 22 साल नौजवान के खिलाफ कत्ल के मुकदमे में गवाही के पहले दिन क्राउन प्रोसिक्यूटर्स ने 3 गवाहों को बुलाया और वो सबूत पेश किए जो वो ओंटारियो सुपीरियर कोर्ट में जज और ज्यूरी के सामने पेश करेंगे। वेल्च मैन को 6 जून 2021 को अफजल खानदान पर गाड़ी पर हमले के बाद फर्स्ट डिग्री कत्ल के 4 और कत्ल की कोशिश की 1 इल्ज़ाम के साथ साथ दहशतगर्दी से वाबस्ता इल्ज़ाम का इल्ज़ाम है। इब्तदाई बयानात में प्रोसिक्यूटर सारा शेख ने ज्यूरी को बताया कि मुद्दा अलिया 6 जून 2021 को एस्ट्राथाई में काम पर गया था। 2 हफ्ते कबल उसने डाज राम ट्रक खरीदा था। 2 पुलिस इंटरव्यूज के जरिए शवाहिद जाहिर करेंगे कि वेल्च मैन ने 3 माह से कत्ल की मनसूबा बंदी की थी। शेख ने कहा कि वो लंदन के मरकज में अपने बैचलर अपार्टमेंट में घर गया और एक खास मकसद मुसलमानों को कत्ल करने को जहन में रखते हुए रात 8 बजे से पहले चला गया। उसने तेज रफ्तारी से खानदान पर हमला करने का इरादा किया। आप इसे ये कहते हुए सुनेंगे। जजों ने यह भी सुना कि मुलजिम ने पुलिस को बताया कि वो इसी तरह के सियासी ख्यालात रखने वाले दूसरों से मुतासिर है। वो दूसरों को मुतासिर करना चाहता है और पुलिस को उसके कंप्यूटर पर एक दस्तावेज के 2 वर्जन मिले जिसका उन्वान था अ वाइट अवर किंग।
कैनेडा की ट्रेजरी बोर्ड की सदर अनीता आनंद का कहना है कि विफाकी हुकूमत ने उन मुलाजमीन के लिए नई गाइडलाइंस मुतारिफ कराई हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडा की ट्रेजरी बोर्ड की सदर अनीता आनंद का कहना है कि विफाकी हुकूमत ने उन मुलाजमीन के लिए नई गाइडलाइंस मुतारिफ कराई हैं जो काम पर चैट GPT जैसे मस्नूई ज़हानत के औजार इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि टेक्नोलॉजी को जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जा सके। आनंद ने कहा कि हुकूमत इस बात की भी निगरानी करेगा कि AI का इस्तेमाल मुमकिन मसाइल जैसे तासुब या इम्तियाजी सलूक से बचाने के लिए किया जा रहा है। उनका कहना था कि बतौर नस्ल परस खातून मैं फैसला साजी में तासुब के मुमकिन इम्कान के बारे में बहुत बाशऊर हूँ। मैं कहूँगी कि उन रहनुमा खतूत का मकसद जेंडरियो AI के जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाना है और हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए निगरानी करेंगे कि अगर मुलाजमीन जेनरेटिव AI इस्तेमाल करने के लिए सड़क पर जाते हैं तो तासुब पैदा ना हो। अनीता आनंद ने कहा कि रहनुमा खतूत जो मस्नूई ज़हानत से मुतालिक सरकारी महकमों को मौजूदा हिदायत की तकमील करते हैं मुलाजमीन को इब्तदाई रहनुमाई फराहम करते हैं और ज़रूरत के मुताबिक अपडेट किया जाएगा जबकि फिलहाल नए रहनुमा खतूत की खिलाफ वर्जी पर कोई जुर्माना नहीं है। आनंद ने कहा कि वो मौजूदा कानून साजी पर मबनी है जैसे प्राइवेसी एक्ट जो जुर्माने को मुतहरिक कर सकता है। आनंद ने कहा इन रहनुमा